फ्रेंड्स, सिंपल इलेक्ट्रिक ट्रेन एक मैग्नेटिक फोर्स पर आधारित सिंपल मैग्नेट ट्रेन है जो मैग्नेट के अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स पर काम करती है। इसमें दो परमानेंट मैग्नेट और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होती है। इसी प्रकार मैग्लिव और हाइपर लूप ट्रेन में भी ट्रेन को लेविटेट मीन्स ट्रेन को ट्रैक से ऊपर उठाने और एक्सीलरेट करने के लिए मैग्नेट का यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, सिंपल इलेक्ट्रिक ट्रेन में कॉइल को मैग्नेट बनाने के लिए कॉइल में डीसी करंट फ्लो करने की आवश्यकता होती है, जिसके कारण ड्यूरासेल का यूज़ करते हैं एक बिना इंसुलेशन की कॉइल। जब सेल को कॉइल के अंदर रखा जाता है तो कॉइल में डीसी करंट फ्लो होती है, जिसके कारण कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और कॉइल में भी परमानेंट मैग्नेट की तरह एनएस पोल बनते हैं। इस मैग्नेट को इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। और सेल के दोनों सिरे पर परमानेंट न्यूडाइमियम मैग्नेट का यूज़ करते हैं। इसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह एन पोल से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। मैग्नेट के पोल को इस प्रकार से डिफाइन कर लेंगे। दोनों मैग्नेट के एसएस पोल या एनएन पोल को सेल से कनेक्ट कर लेंगे। जब सेल को मैग्नेट के साथ कॉइल के अंदर रखा जाता है तो कॉइल में डीसी करंट फ्लो होती है, जिसके कारण कॉइल में एनएस पोल बनते हैं। यह कॉइल यदि क्लॉकवाइज टर्न है तो शुरू में एस पोल बनेंगे और अंतिम सिरे पर एन पोल बनेंगे। और कॉइल के एस पोल न्यूडाइमियम मैग्नेट के एस पोल को रिपेल करेंगे और कॉइल के एन पोल न्यूडाइमियम मैग्नेट के एस पोल को अट्रैक्ट करेंगे, जिससे ट्रेन आगे की ओर चलेगी। और यदि कॉइल एंटी क्लॉकवाइज टर्न है तो ट्रेन पीछे की ओर चलेगी। फ्रेंड्स, सिंपल इलेक्ट्रिक ट्रेन इसी प्रकार मैग्नेट के अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स पर कार्य करती है। इसी प्रकार हाइपर लूप और मैग्नेट ट्रेन को चलाने के लिए मैग्नेट का यूज़ किया जाता है। इसमें एक्सीलरेशन के लिए लीनियर मोटर का यूज़ किया जाता है। मोटर भी मैग्नेटिक प्रिंसिपल पर कार्य करते हैं। लीनियर मोटर भी मोटर की तरह काम करता है। इसमें स्टेटर और रोटर को फैलाकर लीनियर कर दिया जाता है। स्टेटर को ट्रैक पर फिट किया जाता है एवं रोटर को ट्रेन पर फिट किया जाता है। जिस प्रकार मोटर का रोटर घूमते रहता है, उसी प्रकार ट्रेन ट्रैक पर चलते रहता है। हाइपर लूप सिस्टम में ट्रेन न होकर छोटे छोटे पार्ट्स या कैप्सूल होते हैं। इस कैप्सूल को एक ट्यूब में रखा जाता है एवं ट्यूब में वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, जिससे ट्यूब के अंदर एयर रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है। ट्यूब के अंदर 90% वैक्यूम क्रिएट किया जाता है और मात्र 10% एयर ही ट्यूब के अंदर मौजूद होता है। इस एयर के लिए कैप्सूल के आगे एक फैन लगा होता है, जिससे एयर को एयर बीरिंग में छोड़ा जाता है और बाकी बचे एयर को पीछे छोड़ दिया जाता है। एयर बीरिंग पार्ट्स को लेविटेट करने में मदद करता है और लेविटेशन के लिए मैग्नेटिक सिस्टम का भी उपयोग करते हैं। और लेविटेट करने के कारण नीचे का फ्रिक्शन समाप्त हो जाता है एवं ट्यूब में वैक्यूम क्रिएट होने के कारण सामने का एयर रेजिस्टेंस भी बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण यह सिस्टम 1200 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड तक जा सकती है, जो लगभग साउंड की होती है। और फ्रेंड्स, जो जापान में मैग्नेट ट्रेन चलती है, उसे लेविटेट करने के लिए सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट का यूज़ किया जाता है। और चीन में जो मैग्नेट ट्रेन चलती है, उसे लेविटेट करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही यूज़ किया जाता है। और एक्सीलरेशन के लिए सभी में लीनियर मोटर का यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, सिंपल इलेक्ट्रिक ट्रेन पर आधारित यह वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी प्रकार साइंस से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।